ये जो प्लेट है ये मेरे आज तक किसी काम नहीं आई, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बाइक में मिलेगा। ये मेरे को मिला था 1500 रुपये का, इसको मैंने करवा रखा है, देख सकते हो आप ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जैसा कि टूरिंग सेटअप की वीडियो अक्सर आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सस्ता और टिकाऊ टूरिंग सेटअप, जैसा कि मैंने अपना इस रॉयल इनफील्ड के अंदर किया हुआ है जो आपके सामने है। सो मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो मेरा एक न्यू व्लॉग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये है, मैंने कस्टमाइज करा रखी है पूरी की पूरी सीट। ये सीट क्यों ज़रूरत है मैं बताता हूँ। कोई चीज़ अगर आपकी राइड में कोई परेशान करेगी या सबसे ज़्यादा एंजॉय करेगी ना, तो वो है आपकी सीट। ये सीट को बोलते हैं बिग बॉस सीट। हालांकि जो रॉयल एनफील्ड सीट दे रहा है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बट इसको मैंने करवा रखा है, देख सकते हो आप ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, राइडर की भी कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। सो ये सीट का जो खर्चा मेरे को आया था ये अराउंड आया था 2500 रुपये के आसपास। नहीं, ये साइड मेरे को 3500 के आसपास की सीट मिली थी, 3500 के आसपास की मेरे को सीट मिली क्लासिक के लिए स्प्रिंग के साथ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए वो है ये इस टाइप के सैडल बैग। ये आप देख रहे हो सैडल बैग, सैडल बैग ये जो है ना, इसके अंदर ये सैडल बैग बहुत ही सस्ता बैग है। ये मेरे को मिला था 1500 रुपये का। आप ऐसा सैडल बैग देख सकते हो, 35 लीटर की अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी है इनकी, और ये पूरी राइड आपकी आराम से निकाल देंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है सब आपको। तो ये सैडल बैग आपको, और इनमें से कुछ भी आपने सामान मंगाना जो मैं आपको बताने वाला हूँ या अभी जो देख चुके हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बाइक में मिलेगा, ये किसी और ने आज तक नहीं लगाया। हालांकि अब जैसे अगर आप देख रहे हो तो इसके बाद ये लगना शुरू हो जाएगा अलग अलग बाइक्स के अंदर, क्योंकि चीज़ देख के लोगों को आइडिया मिल जाता है। तो ये है पिलियन के लिए फुटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है ये भी राइड को देखते हो, क्योंकि अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, जैसे मैं पिलियन के साथ ही राइड करता हूँ, तो पिलियन के लिए भी ये मेरे को लगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने ये लगा रखी। उसके बाद अगर आप टैंक में देख रहे हो तो टैंक के ऊपर आपको दिखता है एक बहुत ही बढ़िया सा, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया है और बजट में आता है, 1500 रुपये का आइटम ये आपको मिल जाएगी 1500-1600 रुपये में। ये है टैंक बैग। ये जो आप टैंक बैग देख रहे हो बहुत ही शानदार है, इसकी मैग्नेट पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये इसकी मैग्नेट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर ये पूरा भरा भी होगा ना और अगर बाइक गिर गई, मैं आपको ख़त्म करके कहता हूँ कि आप गिर जाओगे बाइक से, लेकिन ये टैंक बैग टैंक को नहीं छोड़ेगा, इतनी इसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो आप इसको भी मंगवा सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के ऊपर। अब बात बनती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, लोग लगवाते हैं फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स वगैरह जो आप लगवाते हो उसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, वो होती है ये LED हेडलाइट्स, जैसे मैंने ये लगा रखी। हालांकि मैं ये कवर लगा के चलता हूँ, क्योंकि इस हेडलाइट के ऊपर ना मैंने कोई ग्रिल नहीं लगा रखी, वरना उससे थोड़ा सा विजन छुपता है। तो ये है मेरी हेडलाइट, R हेडलाइट, ये इसका DRL है, जिसमें R भी जल रहा है और DRL में, और ये रिंग भी जल रही है। इसकी एक्चुअल मेरे को वॉट तो मालूम नहीं है, बट मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसके अंदर मैं रात को ट्रैवल कर रहा था और अच्छा खासा है मेरे को व्यू इस लाइट ने दिया था, तो मुझे फॉग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने पूरी राइड पहाड़ पे चलाई थी और फॉग लाइट ये हेडलाइट के भरोसे ही मेरा काम हो गया था। तो ये भी आप एक अच्छा आइटम है जो आप लगवा सकते हो। नेक्स्ट मैंने लगा रखा है ये इसके अंदर एक मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर लगा तो रखा है, हालांकि ये चार्जर वाला था, बट लेकिन किसी वजह से मेरा हाथ लगा और ये चार्जर मेरा अलग से निकल गया इसका। तो मेरे को अच्छा ऑप्शन मिल गया, मैंने इसको चार्जर को यहाँ पे अलग से लगा दिया, केबल टाई लगाने के बाद ये यहाँ पे अपना आराम से चार्ज हो सकता है, ज़रूरी नहीं मुझे यहाँ तक लेकर के आना है अपने फ़ोन की केबल को। कई लोग क्या करते हैं, लेग गार्ड नहीं लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस ऑफ फॉल अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इसकी वजह से ना आपकी बाइक रुक जाएगी, पूरी तरीके से नहीं गिरेगी, क्योंकि अगर पूरी तरीके से गिर गई तो वो या तो सीधा आपके पैर पर गिरेगी और आपके पैर पर डैमेज होगा, नहीं तो सीधा टंकी पर डैमेज हो सकता है। सो लेग गार्ड लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का आप लेग गार्ड लगवाएं। कोई भी आपको लेग गार्ड चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप बात करें, आपको लेग गार्ड वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएंगे। व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर अगर सेम ऐसा मंगवाना है आपने तो। अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ वो चीज़ मैंने पैसे करे हैं ख़राब। ये है मेरा बैक रेस्ट। अब मैं ख़राब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसे ख़राब हैं, हो सकता है आपकी ये चीज़ काम आ जाए। ये जो टॉप रैक, ये जो प्लेट है, ये मेरे आज तक किसी काम नहीं है। मैं इस पर कुछ भी बांधता हूँ मेरे को ये लगता है कि वो गिर जाएगा, और मेरा एक बैग गिर भी गया था इसके ऊपर मैंने उसको बांधा था, तो मेरे को ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं लगता। बाकी अगर हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से होता है कि जिस तरीके से इसके अंदर होल्स और ये सब बने हुए हैं ना, इसके ऊपर आप एक अच्छा सा टॉप रैक लगा सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ, इसका एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है अगर आपको उसके ऊपर सामान रख के ही चलाना है, क्योंकि क्या होता है जब आप अपने साथ रक्सैक या कुछ कैरी कर रहे हो ना, तो उसका साइज़ होता है कम से कम इतना। अब इतनी बड़ी चीज़
आप इसके ऊपर कैसे टिका सकते हो? एटलीस्ट 60% 70% तो नीचे सरफेस एरिया हो। तो क्या होता है, इसका एक ऑप्शन आता है, इसके प्लेट्स मिलती हैं आपको एल्यूमिनियम की, आप इसके ऊपर प्लेट्स स्क्रू से टाइट करवा के इसका स्पेस बढ़ जाता है, तब आप इसके ऊपर अपना रक्सैक लगा सकते हो। वो मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो ये जो बैक रेस्ट है, ये पिलियन की लोअर बैक पर टच होता है, वो भी पिलियन को बहुत ज़्यादा पीछे होना पड़ता है, तो ये इतना कोई मेरे लिए खास आइटम मेरे लिए रही नहीं, बट ये ठीक है, लगा हुआ है बस। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बाइक के लिए। अभी आप देख सकते हो, ये है मेरा टैंक बैग। मैं इस टैंक बैग को ऐसे उठाऊँगा और आप देखना, जैसे मैंने इसको ऐसे उठाया, देखो बहुत ज़्यादा ये टाइट है, मैग्नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों ज़रूरी है टैंक बैग लगाने से पहले लेमिनेशन लगाना, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे इसके सारे में स्क्रैचेस पड़ गए। अब हुआ क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो टैंक बैग है, इनके ऊपर जो मैग्नेट यूज़ करी हुई, इनके साथ जो मैग्नेट यूज़ करी है टैंक पे लगाने के लिए, वो मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं पर भी आप रखते हो ना, तो छोटा छोटा जो भी आयरन मटेरियल उसको मिलेगा, उसने वो सारा उठा लेना और वो उसको उसके ऊपर चिपक जाएगा। और चिपक गया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने वापस टैंक बैग इसके ऊपर लगा दिया, और जैसे आपने टैंक बैग खींचा, उसने ये सारी लेमिनेशन फाड़ दी। शुक्र है इस पर लेमिनेशन हो रखी थी, अगर लेमिनेशन नहीं हो रखी होती ना, तो ये स्क्रैच इसके ऊपर नहीं लगते, सीधा हमारे दिल पे लगते और टैंकी की हो जाती लुक एकदम ख़राब। इसीलिए टैंक बैग यूज़ करने से पहले कोई भी आपके पास बाइक है, उसके ऊपर आप लेमिनेशन ज़रूर से करवा लेना, वरना आपका हो जाएगा पूरे टूर पर काम ख़राब। हालांकि मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे नहीं चलाई है, मैंने प्लेन रास्ते पे चलाई है। कुछ इसके अंदर चीज़ें अभी भी रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने बैश प्लेट नहीं लगा रखी है, बैश प्लेट भी आने वाले टाइम पे मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो कवर, ग्रिल सेट जिसको बोला जाता है, ग्रिल सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर पूरा इसको कवर कर लेगा, इन केस ऑफ कोलिजन या कहीं टक्कर लगती है, कुछ लगती है, कम से कम इसका खर्चा तो आपका बच जाएगा। मैंने इस पर अभी नहीं लगा रखा क्योंकि मेरे को इसके साइज़ का मिल नहीं रहा है, जैसे ही मिलेगा मैं इसके को कवर कर लूँगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लगा रखा है, अगर यहाँ से कहीं टक्कर होती है, कुछ होता है ना, तो ये एल्यूमिनियम का होता है मटेरियल, और इससे ये कुछ भी नहीं टूटेगा, ना इंडिकेटर डैमेज होगा ना कुछ डैमेज होगा। इंडिकेटर्स के अंदर मैंने LED बल्ब लगा रखे हैं, जो नॉर्मल बल्ब से बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, देख सकते हो आप दिन में भी आपको ये कितना ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस बाइक के अंदर, जो जो मैंने अपने जैसे लगा रखी हैं। सस्ते सेटअप के लिए मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ सस्ती मिलती हैं, बहुत ज़्यादा कोई महंगा खर्चा नहीं है। टैंक बैग आपको 1500 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, सैडल बैग आपको भी 1500 रुपये के आसपास के मिल जाएंगे, 3000 रुपये। बैक रेस्ट अगर आपने लगवाना नहीं लगवाना वो आपकी मर्ज़ी है, मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं। प्लस सीट कम से कम आपको मिलेगी 3500 रुपीज़ के आसपास, कहीं अगर इस किसी और स्टेट में रहते हो तो आप उसको डिलीवरी करा सकते हो, 200-300 रुपये या 300-400 रुपये लगते हैं, वो आप उसकी इसके ऊपर डिलीवरी करवा सकते हो। ये सारे आइटम्स रहे थे, और जो मोबाइल होल्डर हैं, ये चार्जर विद चार्जर 500-600-700 रुपये के आसपास के मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा खर्चा 6-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये के अंदर आपकी बाइक टूरिंग के लिए रेडी हो सकती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है आपको मालूम है, आपको करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको डेली के डेली व्लॉग्स इसी चीज़ के बारे में, या फिर जो लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स होते हैं, फूड ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी, तो ये सब आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो दिस साइड अमित साइनिंग ऑफ।